वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बीइंग नवी। वेल, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट माय कैट फैमिली एंड स्पेशली अबाउट सिम्बा एंड स्ट्रॉमी। कैसे मैं उनको घर पे लेके आई एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझे पूछते रहते हैं अबाउट सिम्बा एंड स्ट्रॉमी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं देन आपने काफ़ी सारी स्टोरीज़ मेरी उनके बारे में देखी होंगी हमेशा। सो वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि आपने पर्शियन कैट क्यों नहीं प्रेफर किया, या फिर वाई देसी ब्रीड और समथिंग। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल इज़ दैट पर्शियन ये वो उसमें मैं कभी भी नहीं थी। ब्रीड का अट्रैक्शन मुझे कभी भी नहीं था। मैंने हमेशा इस चीज़ के ऊपर बिलीव किया दैट यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट, डोंट गो एंड बाय एनिमल्स। उसे अच्छा है कि आप किसी स्ट्रे एनिमल को अडॉप्ट करें, उन्हें घर भी मिलेगा और आपको एक प्यारा सा पेट भी मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। इट वाज इन मार्च 2020, मार्च का एंड था। एंड उस टाइम पे हर जगह पे, आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन था। मी एंड रोहन वेंट आउट टू बाय ग्रोसरी और उस टाइम पे हमने देखा कि हमारे बिल्डिंग के लॉबी में एक प्यारा सा कैट वहाँ पे बैठा हुआ है। और जैसे ही हमने एंटर किया वो हमारे पीछे पीछे आया हमारे पैरों में। जैसे कैट गुल 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 आपके आसपास घूमते हैं वैसे घूमने लगा। उसे देख के ही समझ में आया हमें कि काफ़ी टाइम से शायद भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं है। सो ऑफकोर्स हम उसे ऊपर लेके आए, हमारे घर लेके आए, उसे दूध पिलाया और जैसे ही उसने दूध पिया उसका पेट भर गया, वो घर से भाग गया, वापस उसे लिफ्ट से नीचे छोड़ा है। तो ये रूटीन जो है वो कुछ दिनों तक चलता रहा। और एक दिन ये हुआ कि दूध पिया उसने, उसका पेट भर गया एंड देन आई वाज लुकिंग एट हिम और वो बाहर जाने की बजाय सीधा अंदर गया घर में और घर का हर एक कोना उसने सूंघ सूंघ के, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो वैसे उसने पूरा घर इन्वेस्टिगेट किया और बाहर आया वापस हॉल में और सोफे पे जाके सो गया। घंटों तक सोता रहा और शाम को करीबन उसकी नींद खुली होगी कुछ 7-7:30 बजे और उस टाइम पे वापस दरवाजे के पास आके बैठ गया, दरवाज़ा खोला, बाहर उसे छोड़ दिया। अब ये भी रूटीन हो गया, सुबह उसको लेके आते थे, खिलाते पिलाते थे, आके सो जाता था, शाम को वापस उसको नीचे छोड़ देते थे। ये रूटीन कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक चला। एक दिन हमने सोचा कि चलो पूरी रात ओवरनाइट उसे रख के देखते हैं। उस रात ना रोहन को नींद आई ना मुझे, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये था कि एक कैट घर में है, पूरी लाइट्स ऑफ है घर की, रात का टाइम है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ घुस के बैठा हुआ है क्या। बिकॉज़ ना ये बहुत ही ज़्यादा शरारती था, बहुत ही ज़्यादा शरारती। जब मिला था तकरीबन उसकी उम्र कुछ 8-9 महीने हो सकती है, उसके अराउंड ही था वो। और इतना मस्ती करता था कि कुछ पूछो मत, सारी लाइट्स ऑफ हुई उस रात और हमें इधर से कुछ गिर रहा है, उधर से कुछ गिर रहा है, कहीं पे कूदा है, ये सब आवाज़ें आने लगी। और सुबह जब उठने का टाइम हुआ तो साहबजादे एकदम मस्त सो रहे थे, एकदम आराम से, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, कुछ किसी को नींद आई थी रात को नहीं आई थी, इसे कोई टेंशन नहीं, अपना काम हो गया, अपना खेल कूद हो गई, अब थक के ये सो गया था उस टाइम पे। वो हमारी फर्स्ट नाइट थी इसके साथ। फिर उसके बाद वो यूज्ड टू हो गया, अब पूरा 24 आवर्स वो हमारे साथ रहता था। बस कुछ टाइम के लिए हम उसे बाहर छोड़ते थे, वो घूम के आता था और रिटर्न आता था कुछ 2-3 घंटे के बाद। जैसे वो रिटर्न आता था वॉचमैन एक कॉल कर देता था हमें और हम वापस नीचे उसे लेकर ऊपर आ जाते थे। वेल, ये तो कुछ हद तक मैंने आपको सिम्बा की स्टोरी बताई कि सिम्बा हमें कैसे मिला। वेल, उसके पीछे भी एक ये स्टोरी है कि सिम्बा, जब हमने ये पूछा कि ये सिम्बा यहाँ पे कैसे आया, बिकॉज इट्स अ सोसाइटी, इट हैज़ अ ह्यूज कंपाउंड और हम भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं बट हमने तो कभी इसे देखा नहीं, अचानक से ये कहाँ से आ गया और अचानक लॉकडाउन के टाइम पे ही ये कैसे हमें दिख गया, इससे पहले तो हमने कोई कैट देखा नहीं है इस एरिया में। तो वॉचमैन से हमें ये पता चला कि जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तभी इसी विंग में, हमारी विंग में आई थिंक 2-3 बैचलर लड़के रहते थे जिनके साथ ये रहता था, मतलब एज इन उनका पेट ही था वो।
और उन्हीं के साथ रहता था, बट देन जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ वो लड़के अपने अपने घर चले गए, अपने अपनी सिटीज़ में चले गए, और जाते वक्त वो इसे अपने साथ नहीं लेके जा सकते थे, तो इन्होंने वॉचमैन के पास इसे छोड़ के कहा कि यू नो हम तो जा रहे हैं, हम तो इसे लेके नहीं जा सकते, तो जितना हो सकता है आपसे देख लो, अदरवाइज़ ये इसके नसीब के भरोसे, मतलब एज इन ऐसे ही छोड़ दिया उसको। ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का कि कोई कैसे इस तरीके से छोड़ के जा सकता है। उसके बाद से तो और भी मैं उससे अटैच हो गई। वेल, ये हो गई सिम्बा की कहानी। अब मैं स्टॉर्मी पे आती हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि यू नो जब एक कैट है घर पे तो मैं दूसरी कैट लेके आऊँ, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दिसंबर का मंथ था, दिसंबर 2020, वॉचमैन ने मुझे कहा कि मैम ऐसा ऐसा है, एक कैट का बच्चा है, तो आप उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कैट है तो आपको पता होगा कि क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं। उस टाइम पे वॉचमैन को नहीं पता था दैट द किटन इज़ मेल और फीमेल, सो मैंने ये सोचा था कि यार अब मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि सिम्बा तो मेरे पास है ही, ऊपर से मैं एक और किटन लेके आऊँगी तो वो किटन को सिम्बा यू नो परेशान कर सकता है, उसे चोट पहुँचा सकता है। बट उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि यार ये भूखा बच्चा है और ठंड में नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तो मैं उसे लेके आती हूँ। मैं घर पे लेके आई, आई डिस्कवर्ड दैट इट्स अ फीमेल, एंड मैंने उसको खिलाया पिलाया सब अच्छे से, यू नो उसको थोड़ा सा साफ वगैरह किया, और ये होता है ना कि इनके साथ ना तुरंत आपको अटैचमेंट एक हो ही जाती है, क्योंकि इन लोगों का क्यूटनेस कह लो या फिर ये मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, आई थिंक वो मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अनलेस अंटिल यू डोंट एक्सपीरियंस दिस थिंग योर सेल्फ, आई थिंक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इमोशन और दिस फीलिंग। सो वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास एक पेट होना चाहिए, या फिर यू नो आपको कुछ यू नो किसी पेट के साथ या फिर किसी एनिमल के साथ ये टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहिए। वेल, सिम्बा और स्टॉर्मी को जब हम आमने सामने लेके आए तब बहुत ही टेंस मोमेंट हुआ था। तीने है के लता चार। सिम्बा, सिम्बा, वेल ये फ्रेंडशिप शुरू होने में या फिर ये उन दोनों को एक साथ लेकर आने के लिए आई थिंक करीबन 1 से 1.5 महीना मुझे लगा। उस टाइम पे यू नो मैं और रोहन हमेशा इसी चीज़ को लेकर, मतलब स्टॉर्मी इस कमरे में है तो सिम्बा को हम इस कमरे में रखेंगे, हमारे पास 2 सेपरेट लिटर बॉक्स है, हमने दोनों को सेपरेट खाना रखा है, दूध रखा है, एवरीथिंग यूज़ टू बी सेपरेट, और दिन में एक बार हम कुछ 5 से 10 मिनट के लिए दोनों को सामने लाते थे, स्टॉर्मी को एक बॉक्स में रखते थे हम, सो दैट यू नो सिम्बा उसके ऊपर अटैक भी करता है तो भी वो यू नो इंजर्ड ना हो। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमने मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना ऐसे ही चलता रहा, एंड स्लोली एंड स्टेडिली दे स्टार्टेड गोइंग अलॉन्ग विद ईच अदर, और फ्रेंड्स बन गए दोनों, काफ़ी एक दूसरे के साथ खेलने लग गए। तो ये काफ़ी यू नो डिपेंड करता है, कभी कभी एक वीक के अंदर भी ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, और एल्स एक महीने से ऊपर भी लग सकता है। सो इस केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, बट वो भी पीरियड किसी ना किसी तरीके से यू नो निकल गया थैंकफुली। वेल, स्टॉर्मी एंड सिम्बा बिकेम प्राउड पेरेंट्स ऑफ 3 ब्यूटिफुल बेबीज, और जिनकी यू नो वीडियोस और पिक्चर्स मैं हमेशा डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। वेल, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी स्पेशली फॉर द बेबीज, और उसमें आपको पूरा यू नो उनका उनके सारे वीडियोस मैं दिखाऊंगी, क्योंकि उनके बर्थ के वीडियोस मैंने लिए हुए हैं और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने उनके लिए हुए हैं, एंड दीज आर गोना बी ब्यूटिफुल मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम। ऑल दिस जर्नी हैज़ टॉट मी सो मच, आई थिंक सो मच अबाउट कैट्स, अबाउट यू नो देयर बिहेवियर, एंड स्पेशली अबाउट myself as well, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किसी एनिमल के साथ में या फिर मैं किसी कैट के साथ में इतना फ्रेंडली हो जाऊँगी या फिर इतनी लविंग और केयरिंग हो जाऊँगी। आई केयर फॉर देम लाइक आई एम देयर मदर, सो
आई थिंक वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे अपने बारे में भी सिखाई जो मुझे खुद को भी नहीं पता थी कि मैं ऐसे भी हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ. सो या दैट वॉज यू नो अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस अबाउट माई सेल्फ एंड आई थोरली एन्जॉयड इट और मैं अभी भी इन्जॉय कर रही हूँ. या गाइज, सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो. आई रियली होप के आपको ये स्टोरी जो मैंने एक्सप्लेन की वो अच्छी लगी हो, जो हमारी एक्चुअल स्टोरी है सिम्बा और स्ट्रॉमी के साथ. वेल, जल्दी मैं किटन्स के वीडियो के साथ वापस आऊँगी आपसे मिलने के लिए. टिल देन गाइज, दिस इज बीइंग नवी साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय, मच लव, स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश एंड अडॉप्ट अ पेट फॉर योरसेल्फ. बाय बाय.